साकी, अपने आप पे कंट्रोल रखो। मेहर, बहुत भूख लगी है। हम टाइम प्लीज लेके खाना खाके फिर से अनशन पे नहीं आ सकते। टाइम प्लीज है ना, सिर्फ बच्चों के खेलों में ही होता है। बचपन कितना अच्छा था। क्यों कुकी पुकी, बोलो क्या खाओगे? थप्पड़। थप्पड़ है ये अनशन तुम्हारे लिए, मिस्टर मोंटू लखानी। देखो इस तरफ, देखो हम सब मिलकर अनशन कर रहे हैं, और अपनी तरफ देखो तुम वहां अकेले हो। बॉस, और अभी अकेले? बॉस अकेले भी खड़े हो जाए ना तो लगता है भीड़ खड़ी हो गई। मिस मेहर, तुम्हें अपने साथियों पर बड़ा घमंड है ना, तो ठीक है, अब तुम भी देखना, तुम्हारा ये अनशन भी टूटेगा और स्कूल भी। सब लोग यहाँ खाना खाएंगे। सब क्या? मिस्टर मोंटू लखानी, हम में से किसी एक ने भी अगर अनशन के पहले खाना खा लिया ना, तो मैं ये अनशन तोड़ दूंगी, और ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्ट मिस मेहर। रोहित केवल, खाना मंगाओ। ओके बॉस। ये लो बॉस। देखो तुम्हें ये हड़ताल, ये सच्चाई क्या दे रही है? भूख, प्यास, हाँ? एक काम करो, तुम सब मेरे साथ आ जाओ, तो तुम्हें बर्गर, पिज्जा सब दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। जाओ यहाँ से मिस्टर मोंटू लखानी, हम में से कोई भूखा नहीं है। ठीक है, जिसे जिसे भूख लगी है सब लोग हाथ ऊपर कर लो। क्यों कुकी पुकी, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, आओ खाओ ये बर्गर पिज्जा। रुक जाओ कुकी पुकी। रुको नहीं, आओ आओ आओ, खाओ ये पिज्जा बर्गर। देख लो मिस मेहर, तुम्हारी सच्चाई और आदर्शों ने आखिर मेरे सामने हार मान ही ली। यहाँ अनशन टूटा, वहाँ ये स्कूल की बिल्डिंग बुलडोजरों से टूटी। अगर तुम लोग ने ये खाना खा लिया तो हमारा अनशन टूट जाएगा और हमारी हिम्मत भी। मत खाओ इसे। खाओ खाओ कुकी पुकी, खाओ। ये आपके लिए, आप लोगों को भी तो भूख लगती होगी। Bye.
चलो रे। चलो बॉस। बच्चे जो करना है जल्दी कर, अब ज्यादा समय नहीं है तेरे पास। जल्दी से खतरू पक्षी को उसकी मर्जी से वहां से हटा और सुनहरा मोती हासिल कर। उपाय मिल गया महामाई। बच्चे याद है ना, तू खतरू पक्षी को जबरदस्ती वहां से नहीं उठा सकता, वरना वो सुनहरा मोती नष्ट कर देगा। अब निश्चिंत रहिए महामाई, ये खतरु पक्षी खुद अपनी मर्जी से उठेगा, आप देखते जाइए। हे भटकाती परी, जैसे सच्चाई के सामने बुराई की जीत कभी नहीं होती, वैसे ही इस खतरु पक्षी को भ्रमित करने के लिए बन जाए कुछ ही दूर उसके अंडे और सुनहरा मोती। बालवीर तू खास है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने खतरु पक्षी को यकीन दिलाया, उसे भ्रमित किया कि उसके अंडे वहां नहीं दूसरी तरफ है। वाह बालवीर वाह। बस कुछ ही पल है मेरे पास उस सुनहरे मोती को हासिल करने के लिए, वरना उस खतरु पक्षी को पता चल जाएगा कि वो जिस अंडे पे बैठा है वो नकली है। हाँ वो तो है। बालवीर समय बहुत कम बचा है, मुझे पवित्र हवा बनाने की प्रक्रिया इसी समय शुरू करनी है, इसलिए तीसरा और आखिरी मोती लेने के लिए तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है महामाई, पर वो आखिरी सुनहरा मोती मिलेगा कहाँ? सितारा तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बालवीर अब तक दोनों मोती हासिल करने के लिए तुमने अपनी चाल और अकल का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हें बल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस तीसरे और आखिरी मोती की रक्षा एक शक्तिशाली दानव कर रहा है। उसके ऊपर तुम्हारे जादू और शक्ति का कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें बच्चों का बचपना बचाना है तो उस दानव को पराजित करना ही होगा। मैं अपना पूरा बल लगा दूंगा महामाई, अब जल्द से जल्द पवित्र हवा बनाना शुरू कीजिए। मैं तीसरा सुनहरा मोती लेकर आपके पास पहुंचता हूँ। मैं
बच्चा क्या हुआ? देखो बच्चों को क्या हुआ है? क्या हुआ? मानव बेटा क्या हुआ बेटा? ये मानव मानव क्या हुआ? मानव मैं बेटा ये क्या हुआ? ये मानव बेटा ये मानव तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो ठंड लग रहा है ये। महेश, बच्चे तो और बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है बच्चों की। हम एक काम करते हैं, बच्चों को घर लेके चलते। चलो बच्चों, चलो। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हमें स्कूल की बिल्डिंग को बचाना है ना। नहीं, हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अजी रुको जाओ, हमारी बात तो सुनो। रुको, अयो जल्दी चलो बुकी। जल्दी चल रहा हूँ। अयो रुको जाओ, रुक तो जाओ। अरे सुना तो सही, जल्दी जाओ, सुनो तो सही। अरे सुनो तो सही। अरे मुझे ये कोई पागलों से बचाओ। क्या हुआ? पता नहीं ये दोनों क्यों मेरे बालों के पीछे पड़े। क्या हुआ पुकी पुकी, तुम दोनों इसके बाल के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि पुकी को तो बुड्ढी के बाल काटे, पर ये बुड्ढी तो देने से मना कर रही है। सितारा गायब हो गया, इसका मतलब वो आखिरी सुनहरा मोती मुझे यही मिलेगी। पर वो सुनहरा मोती दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है वो पहाड़ की दूसरी तरफ होगा, मुझे वहां जाना चाहिए। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पर उस सुनहरे मोती को लेकर। तुम उस सुनहरे मोती को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उस मोती का रक्षक हूं। यदि तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। रोहित केवल, देखा तुम लोगों ने मैंने कैसे इन सारे लोगों को हिला दिया है। अरे मोंटू, मेरा मतलब है मोंटू बॉस, हम सबको हिलाया नहीं है, बल्कि हम खुद हिल रहे हैं, और वो भी ठंड की वजह से। हाँ सही कहा तुमने रोहित केवल, रोहित केवल। बुलडोजर रेडी है स्कूल के ऊपर चढ़ने के लिए। बुलडोजर का क्या जरूरत है बॉस? आपको ना एक ही बात है, आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, वो अपने आप टूट जाएगी। तेरे तो संभालो, संभालो। लगता अब ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, अब एक काम कर, उधर बैठ जा। सही कहा। संभाल के वरना सीढ़ियां टूट जाएगी। क्या कहा तुमने? अरे वाह। हाँ, और हाँ, तुम लोगों की भलाई इसमें ही है कि तुम हार मान लो, वरना कभी नहीं।
हम कभी नहीं झुकेंगे। सरफरशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दुश्मन में है। तुम्हें तो इस बात की दाद देनी पड़ेगी। हेलो मोंटू, अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ शैतान। शैतान? शैतान कहा तुमने मुझे? तुमने मुझे शैतान कहा? संभल कर मोंटू, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। रोहित केवल, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये लोग अभी भी फेट कैसे हैं? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने हमेशा हरी और ताजी सब्जियां खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, सेहतमंद खाना खाया है। हम तुम्हारी तरह बचपन में पिज्जा और बर्गर ही नहीं खाया करते थे, कोल्ड ड्रिंक से नहीं पिया करते थे, इसलिए आज हम बुढ़ापे में भी फिट रहते हैं। मोंटू कहा बेवकूफा, मोंटू बॉस कहा? मोंटू नहीं, मोंटू, तुमने ही हमें सारी उम्र पिज्जा और बर्गर खिलाए और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। तुम ही हमारे हालत के जिम्मेदार हो, वरना आज भी हम ऐसे बुढ़ापे में सेहतमंद होते। सही कहा तुमने, मैं ही तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार हूँ। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ी। इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। पिज्जा, पिज्जा, ए भाई भाई, पिज्जा लाओ। मुझे पता था तुम ये पिज्जा नहीं खा पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। दो भाई, लो पिज्जा इसके अंदर डाल दो। तुम भी डालो केवल। मोंटू बेटा। अरे पापा, हाय लागू पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मोंटू बेटा, अब ठीक है ना बेटा? अपनी जिद छोड़ दो, हाँ? फिर से एक बार सोच लो और घर जाकर आराम कर। नहीं पापा, मैं आराम नहीं करूंगा। जब तक मेरी यहाँ स्कूल नहीं बन जाती ना, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। पापा, बुलडोजर रेडी है ना? हाँ बेटा, सारे बुलडोजर आ गए, बाहर है। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। पापा, इन सबको यहाँ से जबरदस्ती भगा दो। एक को भी नहीं बचना पापा, एक को भी नहीं बचना। मैं चलता हूँ पापा, चलता हूँ। संभालो मोंटू। बेटा बेटा, तो ठीक है ना? पापा, मेरा सपना पूरा करना बाबा, यहाँ पे एक स्कूल बनाना है जिसमें सिर्फ पढ़ाई रिसेस में ही हो। मोंटू, मोंटू,